नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है निशा किचन में। तो आज हम जा रहे हैं बैंगन की सब्ज़ी बनाने, और बैंगन की सब्ज़ी हमने काफ़ी टाइम से बनाया भी नहीं है। और आज मैं जिस तरीके से बनाऊंगी ना, जो लोग बैंगन नहीं खाते वही पसंद करने लगेंगे। तो हमारे खेत में काफ़ी सारा बैंगन हो गया, चलते हैं तोड़ते हैं और एकदम उसकी लाजवाब सब्ज़ी बनाते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो बैंगन खेत में देखिए आ गए, चलते हैं बैंगन को ढूंढते हैं एक लाइन से पहले। तो देखिए इसमें नहीं दिख रहा है कोई बैंगन, इधर चलते हैं। ये देखिए एक दिख गया बैगन, ये रहा, इसको ले लेंगे, तोड़ लेंगे। तोड़ लिया है और आगे चल के देखते हैं। ये बैगन जो कि बहुत छिपा हुआ दिख रहा है, चलिए देखते हैं आगे चल के। सब में से देखिए एक बैगन ये रहा। तो हमें बैगन जो चाहिए एकदम नरम नरम चाहिए। तो देखिए एक बैगन ये रहा, इसको तोड़ लेते हैं और देख लेते हैं ऐसे। तो सभी जो पौधे लगे हैं बैगन के, सब में देख लेते हैं। देखिए बहुत छोटा भी है, और आगे देख लेते हैं। देखिए रहा बैगन, इसको तोड़ लेते हैं। और देख लेते हैं हमारे खेत में, देखिए तीन बैगन मिले हैं। और चलते हैं, इतना बैगन बहुत है। तो चलते हैं, अब टमाटर ले लेते हैं खेत से। यहाँ पे देखिए हमें टमाटर से एकदम पका हुआ लाल लाल, तो देखिए इस तरीके से हम तोड़ के रख लेते हैं। तो बैगन और टमाटर हमने ले लिया, अब चलते हैं लेकर इसको। बैगन लेके चूल्हे के पास आ गए। तो यहाँ पे देखिए ग्रेवी के लिए प्याज लिए हैं, टमाटर लिए हैं। तो इसको हम देखिए पहले टमाटर एक तरफ रख लेते हैं, और यहाँ पे देखिए काफ़ी सारा हरा मिर्चा, लहसुन, अदरक और चार प्याज छील लेंगे। सबका पेस्ट बनाएंगे पीस कर हम। बैगन को हमने पहले नहीं काटा, ये तो काला पड़ जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो सब्ज़ी बनाएंगे उसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए चार प्याज काटे हैं, और लहसुन और हरा मिर्चा लिया है, अदरक लिया है। ये सबको हम मिक्सर में डालेंगे, इसको हम पीस कर पेस्ट बनाएंगे। और कुछ इसमें देखिए खड़े मसाले लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने लिया लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, काली मिर्च और तेज़पत्ता। ये सबको हम इसमें डाल देंगे, और तेज़पत्ता को देखिए हम तोड़ के इसमें डाल देंगे। तो एक चम्मच डाल देंगे इसमें जीरा, और थोड़ा सा पानी डालकर हम इसका पेस्ट बना लेंगे। तो मिक्सर में देखिए सारा चीज़ मैंने डाल दिया था, लेकिन पता नहीं कि मेरा मिक्सर चला नहीं, ख़राब जिसे हो गया, घूम ही नहीं रहा है। तो इसको देखिए हम सिलबट्टे पीस ले रहे हैं, इस सारे पेस्ट को हम मिक्सर जार में से लेके हमें सिलबट्टे पीसना पड़ा। अभी तो फिलहाल मेरा मिक्सर ख़राब हो गया था, तो अभी बनवाए थे, पता नहीं क्यों, देखिए पीछे से चल ही नहीं रहा है। तो इसको हम सिलबट्टे पीस ले रहे हैं एकदम बारीक। तो इधर देखिए मैंने सभी चीज़ों का पीस कर पेस्ट बना लिया, इसको एक प्लेट में उठा ले रहे हैं। ऐसे हम टमाटर को भी पीस कर पेस्ट बना लेंगे। तो चार से पांच देखिए हमने पका हुआ लाल टमाटर लिया था, उसका बीज निकाल दिया है, अब इसको भी पीस लेते हैं। इधर देखिए टमाटर का पेस्ट भी हमने पीस के रख लिया, इसको भी उठा लेते हैं कटोरी में। ये देखिए जो हमने खेत से बैगन तोड़े थे, इसका देखिए छिलका हम पहले इस तरीके से छील लेंगे। तो बैगन को देखिए यहाँ पे मैंने छील लिया है, और छिल लिया देखिए तुरंत काला पड़ा था, इसको धो लेते हैं। इसीलिए बैगन को मैं पहले नहीं छीली थी। बैगन को धोने के बाद देखिए एक बार हम इसको चाकू से काट लेंगे आधा आधा भागों में, कहीं सड़ा तो नहीं। देखिए बैगन सही लग रहा है, और इसको भी काट के देख लेते हैं। ये भी देखिए थोड़ा सा ख़राब बैगन निकल गया है, इसको साइड कर लेते हैं। और इसका देखिए डंठल हटा के इस बैगन को भी काट के देख लेते हैं। तो देखिए बैगन सही लग रहा है, ये भी सही है। तो जो सही बैगन देखिए उसको हम इस तरीके से पीस लेते हैं बड़ी वाली जाली से जल्दी जल्दी। तो बैगन को देखिए मैंने घिस लिया, बैगन काफ़ी नरम था, और इसमें हम डालेंगे नमक। देखिए घिसने के बाद बैगन कितना काला पड़ गया है। तो इसमें देखिए हम टेस्ट के अनुसार नमक डाल दिए हैं, और इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच कश्मीरी लाल का पाउडर डाल देते हैं, और डालेंगे गरम मसाला आधा चम्मच, और इसमें डालेंगे बेसन। अब इसको देखिए हाथों से मिला लेंगे, और पानी इसमें बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि हमने जो नमक डाला है बैगन में अपने आप पानी छोड़ने लगेगा। तो देखिए अब इसमें और बेसन पड़ेगा। इधर देखिए हमने बेसन इसमें अच्छे से मिला लिया। अब देखिए इस तरीके से हम थोड़ा सा गुल गुल करते हुए हाथों में थोड़ा चिपका कर लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए हमने पैन चढ़ा दिया, इसमें मैंने तेल डाल दिया है। देखिए इस तरीके से इसको हम थोड़ा चिपका से दबा के इसको देखिए इस तरीके से इसमें डाल देंगे, वैसे ही बना बना के। देखिए इस तरीके से देंगे, थोड़ा चिपका कर देंगे, और ऐसे ही डाल देंगे ऐसे ही। देखिए पैन में जितना आ सकता था मैंने देखिए थोड़ा चिपका करते हुए इसको मैंने पैन में डाल दिया। अब इसको एक तरफ से थोड़ा लाल कर लेंगे, तब उसके बाद इसको पलटेंगे। देखिए एक तरफ से लाल हो गया, इसको देखिए पलट देते हैं।
इसको दोनों तरीके से अच्छे से हम लाल कर लेंगे। देखिए इसको एक तरफ खिसका दे रहे हैं और जितना तेल में जगह मिल रहा है ऐसे ही हम और बना लेंगे। थोड़ा सा चिपटा देखिए इस तरीके से हाथों में लेंगे, हल्का से इसको देखिए दबा देंगे और इस तरीके से इसको हम छोड़ देंगे। इधर देखिए हमने गोल्डन ब्राउन सो कर लिया, उसको देखिए थाली में निकाल ले रहे हैं। देखिए हमने जो दूसरी बेच में डाला था इसको एक पलट देते हैं, बढ़िया सा लाल हो गया है। और जब ये लाल होता है अपने आप ही ये छूट भी जाता है पैन में, तो इस सब्जी को आज हम पैन में बनाएंगे, कढ़ाई में नहीं बनाएंगे। हमने गोल्डन ब्राउन कर लिया, इसको निकाल लेते हैं और तेल कम करके इसी में हम सब्जी बनाएंगे, आज पैन में ही बनाएंगे। तो तेल थोड़ा कम कर देते हैं, तड़का लगाते हैं। जिसमें हमने तला था थोड़ा तेल कम कर दिया, इसी पैन में हम सब्जी बनाएंगे तो तेल थोड़ा ही रखा है। अब इसमें तड़का लगाएंगे, आधा चम्मच जीरा डाल लेते हैं, डाल दिया है, और थोड़ा सा हींग डाल लेते हैं। और यहाँ पे जो मैंने पेस्ट बनाया था पिसका, सब मसाले जो डाले थे अदरक लहसुन और प्याज, इसको डालेंगे, इसको भून लेते हैं। इसको चलाते हुए पेस्ट को हम अच्छे तरीके से भूनेंगे। तो पेस्ट को देखिए थोड़ी देर तक हमने भून लिया, इसमें डाल लेते हैं हल्दी पाउडर। तो आधा चम्मच देखिए हल्दी पाउडर डालेंगे और इसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर आधा चम्मच, और इसमें डाल देते हैं धनिया पाउडर। अब चला लेंगे और थोड़ी देर तक जो मसाला डाले इसको भून लेते हैं एकदम धीमा आंच करके। जो पेस्ट जो मैंने डाला देखिए अच्छे से भुना गया, और तेल भी देखिए छोड़ने लगा है, तेल भी ऊपर दिखने लगा है। अब इसमें टमाटर के यहाँ पर जो मैंने पीसा था पेस्ट, इसको डाल लेते हैं और इसको चला देंगे। अब चलाने के बाद स्वाद अनुसार नमक भी डाल देते हैं, तो नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार। नमक डालकर हम टमाटर के पेस्ट को अच्छे से भूनेंगे। टमाटर का जो मैंने पेस्ट डाला था इसमें देखिए अच्छी तरीके से हमने इसको पका लिया है, और देखिए तेल भी हमारा देखिए एकदम ऊपर ऊपर दिखने लगा है। इसको चला देते हैं, इसमें हम डालेंगे पानी, एक गिलास डाल देते हैं। तो पानी देखिए यहाँ पे मैंने एक गिलास डाल दिया है, अब इसको चला देते हैं, अब इसमें उबाल आने देते हैं। इधर देखिए हमारी ग्रेवी में उबाल आ गया है, तो इसमें जो पकौड़े हमने बैगन के बनाए थे एक एक करके हम इसमें डाल देंगे। अभी ये ग्रेवी देखने में पतली लग रही है लेकिन पकने के बाद बहुत गाढ़ा हो जाएगा। इसमें डालेंगे ऊपर से आधा चम्मच गरम मसाला। अब गरम मसाला मैंने डाल दिया, इसको चला देते हैं। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, इसकी ग्रेवी देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। अब इसको हम थाली से ढक के 3 से 4 मिनट अभी पका लेते हैं कि जो हमारे पकौड़े अच्छे से इसके अंदर तक ग्रेवी चला जाए। ये देखिए इसको हम ढककर पका लेंगे। तो हमने 4 से 5 मिनट ढककर थाली से सब्जी को पका लिया, इसको देखिए थाली बटाते हैं। और ये देखिए हमारी सब्जी एकदम पक गया है, इसको चलाते हैं। ये देखिए इसकी ग्रेवी भी कितनी गाढ़ी हो गई है। ऊपर डाल देते हैं धनिया के पत्तों को बारीक जो हमने काटा है, इसको डाल देते हैं। तो सब्जी देखिए हमारा पक गया है, इसमें बर्तन देखिए हम निकाल ले रहे हैं। और ये देखिए कितना बढ़िया सब्जी लग रहा है बैगन का। अगर बच्चे बैगन नहीं खाते तो भी बैगन खाना शुरू कर देंगे, और इस तरीके से उनको सब्जी बना खिलाएंगे तो, अगर मेहमान भी अपने घर पे कोई आता है तो ये सब्जी बनाकर उनको खिला सकते हैं। ये जो बैगन के हमने पकौड़े बनाए हैं ना, ये खाने में पता ही नहीं चलेगा कि ये बैगन के पकौड़े हैं, ये बहुत टेस्टी सब्जी लगेगा खाने में। तो बैगन की यहाँ पे देखिए एकदम चटपटी सब्जी बनकर रेडी हो गया है, कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। बड़े तो बड़े बच्चे भी इसको बहुत चाव से खाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करते रहिए कि आप लोग का हमारा वीडियो कैसा लगता है। नए रेसिपी के साथ मिलते हैं, धन्यवाद।